मृत्यु के बाद जन्म कहाँ होगा, यह कैसे जाना जा सकता है? हर हर महादेव, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, बलवीर कोट्स चैनल में आपका स्वागत है। प्रिय दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। यदि आपको ऐसी कथाएं और आध्यात्मिक जानकारियां पसंद है और आप सनातन धर्म के बारे में जानना पसंद करते हैं तो कृपया बलवीर कोट्स चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, ओम शांति। अगर किसी का शरीर छूट जाता है तो अगला जन्म कहाँ होगा और कैसे होगा, यह सवाल हमेशा हमारे मन में रहता है। आज हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। हर व्यक्ति की यह इच्छा होती है कि मृत्यु के बाद उन्हें अच्छा जन्म मिले। जब कोई परिजन हमें छोड़कर चला जाता है तो हम सबकी यही इच्छा होती है कि वह अच्छे स्थान पर पुनर्जन्म ले। लेकिन इस बात की चिंता भी होती है कि आखिरकार शरीर छोड़ने के बाद क्या होता है, आत्मा कहाँ जाती है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि अगर आपका शरीर छूट जाए तो आपका अगला जन्म कहाँ होगा। इसे जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और ध्यान से समझने की कोशिश करें, क्योंकि आत्मा को कोई देख नहीं सकता। शरीर छोड़ने के बाद आत्मा कहाँ जाती है, यह किसी को नहीं पता। बहुत से लोग मानते हैं कि यदि कोई पाप करता है तो उसे नरक में जन्म मिलता है और पुण्य करने से स्वर्ग में। लेकिन इन बातों को लेकर भी स्पष्टता नहीं है। आत्मा शरीर छोड़ने के बाद कहाँ जाती है, इसे भेजता कौन है, यह भी एक सवाल है। क्या आत्मा खुद अपनी इच्छा से जाती है या उसे कोई अन्य शक्ति वहां ले जाती है, इस रहस्य को जानने की कोशिश करेंगे। जब आत्मा स्वयं की इच्छा से जाती है तो फिर सभी लोग साहूकार के घर में ही जन्म क्यों नहीं लेते, गरीब के घर में जन्म क्यों होता है? शरीर छोड़ने के बाद आत्मा किस आधार पर नया जन्म लेती है? आज हम इन प्रश्नों को गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। हम अपने जीवन में देखते हैं कि जब हमें कहीं जाना होता है या कुछ करना होता है तो सबसे पहले हमारे संकल्प या विचार उत्पन्न होते हैं। मन में पहले यह विचार आता है कि हमें कहाँ जाना है, फिर हम अपने शारीरिक शरीर के माध्यम से वहाँ पहुँचते हैं। लेकिन जब यह भौतिक शरीर नहीं रहता तब आत्मा कहाँ जाती है? शरीर छोड़ने के बाद आत्मा का संकल्प अर्थात मन और बुद्धि जहाँ केंद्रित होते हैं वही वह सूक्ष्म शरीर सहित उपस्थित हो जाती है। चाहे वह स्थान कितना भी दूर क्यों न हो, आत्मा सेकंडों में वहां पहुंच सकती है। लेकिन आत्मा कहां कहां जा सकती है, इसे समझने के लिए हमें तीन मुख्य कारणों पर ध्यान देना होगा। एक, संस्कार। जिस व्यक्ति में लंबे समय से जो आदतें होती हैं, वे उनके मन और बुद्धि को स्वचालित रूप से उसी दिशा में खींचती हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी को लंबे समय से शराब पीने की आदत है तो शरीर न होने के बावजूद यह आदत उनके मन और बुद्धि को उन स्थानों की ओर आकर्षित करेगी जहां शराब के अड्डे होते हैं या जहां शराब पीने वाले लोग मौजूद होते हैं। इस प्रकार उनके पुराने संस्कार उनकी आत्मा को उन जगहों पर ले जाते हैं जो उनकी आदतों से मेल खाते हैं। दो, वासनाएं। आत्मा की असंतुष्ट इच्छाएं और वासनाएं भी उसे विभिन्न स्थानों पर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यदि किसी व्यक्ति की कोई इच्छा अधूरी रह जाती है तो आत्मा उन इच्छाओं को पूरा करने के प्रयास में उन स्थानों की ओर आकर्षित होती है जहां उन्हें संतुष्टि मिल सकती है। तीन, कर्म फल। व्यक्ति के अच्छे और बुरे कर्म भी निर्धारित करते हैं कि आत्मा शरीर छोड़ने के बाद कहाँ जाएगी। अच्छे कर्मों के फलस्वरूप आत्मा उच्च लोकों में जाती है
जबकि बुरे कर्मों के परिणाम स्वरूप उसे निचले लोकों या कठिन परिस्थितियों में जन्म लेना पड़ सकता है। इन सभी कारकों के आधार पर आत्मा अपना अगला गंतव्य चुनती है। यह एक जटिल प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जीवन भर के कर्म, संस्कार और इच्छाओं पर आधारित होती है। इसलिए जीवन में अच्छे कर्म करना और सकारात्मक संस्कार विकसित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है ताकि आत्मा को आगे के सफर में शुभ मार्ग प्राप्त हो सके। जब आत्मा घूमती है और यदि किसी व्यक्ति की शराब में रुचि थी तो उनकी आत्मा निश्चित रूप से किसी शराबी के घर में जन्म लेगी। इसी तरह यदि किसी की संगीत में गहरी रुचि थी तो भले ही वह व्यक्ति शरीर छोड़ चुका हो, उनकी आत्मा उन स्थानों की ओर खींचेगी जहां संगीतकार या संगीत हो। मन और बुद्धि उन जगहों की ओर आकर्षित होते हैं जहां उनकी पिछली रुचियां या संस्कार होते हैं। इस प्रकार आत्मा उन क्षेत्रों में घूमेगी और संभवतः उनका अगला जन्म भी किसी ऐसे ही परिवार में होगा जहां संगीत की परंपरा हो। ऐसे बच्चे बचपन से ही संगीतकार बनने की क्षमता दिखाते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि कुछ बच्चे बचपन से ही बेहतरीन संगीतकार, गायक या कलाकार होते हैं। ये उनके पिछले जन्म के संस्कार होते हैं जो इस जीवन में प्रकट होते हैं। अब बात आती है कि मन और बुद्धि को कहां खींचना है। अगर किसी के साथ पूर्वजन्म का कोई हिसाब किताब लेना देना बाकी है तो भले ही वह व्यक्ति अब शरीर में नहीं है, उसकी आत्मा फिर भी उन लोगों की ओर खींचती है जिनके साथ उसे वह हिसाब पूरा करना है। अगर किसी से आपको बहुत कुछ प्राप्त हुआ था तो उसकी यादें आपके मन में बनी रहेंगी। मान लीजिए कि किसी को आपको कुछ देना था लेकिन आपका शरीर छूट गया है, तो उन लोगों की यादें आपको जरूर आएंगी। जब भी आप उन्हें याद करेंगे, आपकी आत्मा सूक्ष्म शरीर के साथ वहां पहुंच जाएगी और उन स्थानों के आसपास घूमेगी। ऐसे ही आपकी आत्मा उन जगहों के आसपास ही जन्म लेगी। अब बात आती है तीसरी स्थिति की, जहां मन और बुद्धि को खींचा जाता है। जहां भी पिछले जन्म का कोई गहरा संबंध रहा हो, चाहे किसी ने आपको बहुत प्यार दिया हो, सुख दिया हो या आपको आगे बढ़ने में मदद की हो, उसकी यादें आपके मन में जरूर आएंगी। ऐसी यादें आपकी आत्मा को उन लोगों और स्थानों के आसपास खींच लेंगी। इसी तरह अगर किसी ने आपके साथ दुश्मनी की हो, बहुत दुख दिया हो या वह व्यक्ति आपका दुश्मन रहा हो, तो उसकी यादें भी आपके मन में बार बार आएंगी। भले आप उन्हें याद न करना चाहें, लेकिन उनकी यादें आपको जरूर सताएंगी। ऐसे में आपकी आत्मा भी उन स्थानों के आसपास घूमेगी जहां वह व्यक्ति रहता था। तो चाहे किसी ने आपको बहुत सुख दिया हो या बहुत दुख, दोनों ही प्रकार के संबंध आपकी आत्मा को खींचते हैं और ये संबंध आपके अगले जन्म को प्रभावित करते हैं। दोनों प्रकार के संबंध, यानी जिन्होंने आपको बहुत सुख दिया हो या जिन्होंने आपको बहुत दुख दिया हो, उनकी यादें आपके मन में गहरी छाप छोड़ जाती हैं। आपकी आत्मा सूक्ष्म शरीर के साथ उन लोगों के आसपास चक्कर लगाती है। यही कारण है कि आपके अगले जन्म की जगह वही होती है जहां ये लोग या उनकी यादें मौजूद होती हैं। हम अक्सर देखते हैं कि किसी के घर में जब बच्चा जन्म लेता है तो परिवार वाले उसकी नामांकन प्रक्रिया पूरी करते हैं, संपत्ति उसके नाम पर लिख देते हैं या अन्य संसाधनों का हस्तांतरण करते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ परिवारों में जब बच्चा जन्म लेता है तो माता पिता चिंतित रहते हैं और बच्चे के बड़े होते ही परेशानियां बढ़ जाती हैं। वह बच्चा माता पिता को दुख देने लगता है, उनकी संपत्ति हड़पने की कोशिश करता है और उनसे अलग हो जाता है। इस तरह के घटनाओं में हम देखते हैं कि ये सब पिछले जन्म के हिसाब किताब का परिणाम होते हैं। एक ऐसी ही घटना ने मीडिया में बहुत चर्चा बटोरी थी। एक छोटा सा बच्चा जिसकी उम्र केवल 6 साल थी,
उसने कोर्ट में अपने कातिलों से बदला लेने के लिए याचिका दायर की। यह मामला काफी चर्चा में रहा और जांच के बाद यह साबित हुआ कि वह बच्चा अपने पिछले जन्म के जीवन को याद कर रहा था। उसने अपने पुराने घर की पहचान की, वहां जाकर अपने परिवार की तस्वीरें दिखाई और अपनी मृत्यु के स्थान और कारण को भी स्पष्ट किया। यह घटना प्रमाणित करती है कि कैसे पिछले जन्म के संबंध और घटनाएं हमारे अगले जन्म को प्रभावित करती हैं। हालांकि प्रमाण होने के बाद भी, क्योंकि सरकार के पास ऐसा कोई कानून नहीं है जो पूर्व जन्म से संबंधित मामलों को मान्यता देता हो, पिछले जन्म के कातिलों से बदला लेने या उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का कोई प्रावधान नहीं है। इस प्रकार भले ही कोई व्यक्ति अपने पिछले जन्म के अनुभव और घटनाओं को याद कर ले, सरकार के पास ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे वह उस व्यक्ति के बयान के आधार पर न्याय कर सके। यह ध्यान देने योग्य है कि शरीर छोड़ने के बाद भी आत्मा सूक्ष्म शरीर के रूप में रहती है और अपने पुराने हिसाब किताब या बदला लेने के लिए उस स्थान के आसपास चक्कर लगाती है। यह भी देखा गया है कि आत्मा उसी स्थान पर जन्म लेती है जहां उसके पुराने संबंध और यादें होती हैं। इसीलिए जब किसी व्यक्ति का अंतिम समय आता है तो उसे विशेष रूप से गीता पढ़कर सुनाई जाती है और भगवान की याद दिलाई जाती है। इसका उद्देश्य यह होता है कि व्यक्ति इस दुनिया की किसी भी बात को मन में न रखे और कोई बुरी यादें उसे परेशान न करे। इससे उसकी आत्मा की अच्छी गति होती है और उसे सद्गति प्राप्त होती है। लेकिन यह भी सच है कि अंत समय में वही बातें याद आती हैं जो हमारे मन में बहुत गहराई से छिपी होती हैं, कोई गहरी इच्छाएं, कोई अनसुलझी तृष्णाएं। इसलिए यह जरूरी है कि व्यक्ति अपने जीवन के अंतिम समय में सकारात्मक और ईश्वर को समर्पित विचारों को ही अपने मन में बनाए रखे ताकि उसकी आत्मा की यात्रा शुभ हो सके। अगर किसी से गहरी रूप से प्यार है या फिर किसी से गहरी दुश्मनी है तो ये भावनाएं अनचाहे भी हमें याद आएंगी। इन्हीं भावनाओं के आधार पर हमारी गति निर्धारित होगी। इसलिए जब हम यह सोचते हैं कि शरीर छोड़ने के बाद हम कहां जाएंगे तो हमें अपने कर्मों, संस्कारों और पुराने संबंधों को ध्यान में रखना चाहिए। इन सभी कारकों के आधार पर आप आसानी से समझ सकते हैं कि हमारे शरीर छोड़ने के बाद हमारा अगला जन्म कहाँ होगा। यदि इस वीडियो में कहीं कोई त्रुटि हो तो हम आपसे क्षमा चाहते हैं। हर हर महादेव। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए लाभदायक होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल बलवीर कोट्स पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आपको हमारी सभी नई वीडियोस की सूचनाएं सबसे पहले मिले। महादेव जी का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट में हर हर महादेव लिखें। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों।